Good morning, today is 29th of June 2018 and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे रुपए की डॉलर के मुकाबले में घटती वैल्यू के कारण है. रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में इतनी कम क्यों हो रही है, क्या रीजंस हैं और रिपरकशंस क्या हैं, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. नीचे ये आर्टिकल यूएसए की राजनीति के बारे में है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे. बीच में ये बढ़िया आर्टिकल है इंडिया यूएसए रिलेशंस के बारे में, डिटेल से इसे डिस्कस करेंगे. नीचे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से संबंधित किसानों के इनकम लेवल के बारे में, इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. दूसरे पेज पे यहाँ पर आर्टिकल फुटबॉल के बारे में है. अभी आपको पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन इंडिया नहीं हिस्सा ले रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप में. तो आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है क्या इंडिया कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल पाएगा या नहीं. तो तीनों तरह के व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है. यस में ये बोला जा रहा है कि इंडिया 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल सकता है क्योंकि 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 के बजाय 48 टीमें खेलेंगी और एशिया से 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी 2026 के वर्ल्ड कप में. अभी एशिया से 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 3 टीमें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी और एशिया में अभी फिलहाल इंडिया की जो रैंकिंग है वो 14th है तो इंडिया टॉप 8 में आ सकता है. तो अभी सरकार के द्वारा काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खेलो इंडिया प्रोग्राम में फुटबॉल शामिल है, कोचिज़ की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है और जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोजर देने के लिए फॉरेन कोचेस भी इनवाइट किए जा रहे हैं. तो अनुमान यह है कि 2026 के वर्ल्ड कप में इंडिया खेल सकता है. उसके बाद दूसरे नंबर पर जो व्यू पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है उसमें यह बोला गया है कि देखो 2002 में भी यही बात बोली गई थी, फिर उसके बाद 2010 में भी यही बात बोली गई और अब फिर से यही बात बोली जा रही है कि 8 साल बाद इंडिया खेलेगा. लेकिन फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है. सरकार को लोकल लेवल पे क्लब कल्चर को प्रमोट करना होगा. जैसे देखो वर्ल्ड के अभी जो अच्छे प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन सब प्लेयर्स ने जो फुटबॉल के क्लब्स हैं उनमें बेसिक ट्रेनिंग हासिल की थी इसलिए वो आज इतने अच्छे हैं. तो इंडिया में भी जो क्लब कल्चर है उसको प्रमोट करना होगा सरकार के द्वारा. अभी जो फुटबॉल का गेम है वो अपर मिडिल क्लास फेनोमेनन बन गया है. लोअर मिडिल क्लास या फिर जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते फुटबॉल पे, उनके द्वारा क्रिकेट पे फोकस किया जाता है. देखो आज के समय में फुटबॉल को 210 देशों के द्वारा खेला जाता है और 190 देशों में जो फुटबॉल है वो नंबर वन गेम है और क्रिकेट जो है वो कुछ ही देशों के द्वारा खेला जाता है. इवन क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो भी कुछ ही देशों के द्वारा खेला जाता है. तो इसलिए इंडिया को फुटबॉल पे फोकस किए जाने की आवश्यकता है. और उसके बाद इट्स कॉम्प्लिकेटेड में राइटर ये बोल रहे हैं कि देखो इंडिया से अभी फिलहाल 14,000 लोग गए हैं रशिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखने के लिए. इसका मतलब तो साफ तौर पे ये है ना, फुटबॉल का क्रेज है इंडिया में, फुटबॉल का क्रेज है नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, गोवा में, केरला में. देखो जब छोटे छोटे देश, फॉर एग्जाम्पल पनामा, आइसलैंड, ये देश जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं. इसके लिए सरकार को जो है पॉलिसीज़ को ठीक से इंप्लीमेंट करना होगा. ज़्यादातर जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ पेपर्स पर रहती हैं. सरकार प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं करती, गेम्स के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन प्लेयर्स से एक्सपेक्ट सरकार ये करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के आएँ. राइटर अपना एग्जाम्पल देते हैं जो कि कोच रहे हैं, वो कहते हैं प्लेयर्स की डाइट का ख्याल भी सरकार के द्वारा नहीं रखा जाता और कैसे सरकार एक्सपेक्ट कर सकती है प्लेयर्स से कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले या फिर दूसरे गेम्स में मेडल जीत के आएँ. तो ये पूरा आर्टिकल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जिन्हें आप यूज कर सकते हो दूसरे गेम्स के कंटेक्स्ट में भी. नीचे ये जो आर्टिकल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में है. रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं तो जरूर डिस्कस करेंगे. आज का कोट अब्दुल कलाम साहब का है, इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन. वैसे तो देखो इंडिविजुअल लेवल पे इस कोट का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इंडिया के सॉफ्ट पावर संदर्भ में भी इस कोट का इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे जो छोटे देश हैं उनको हराना बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन उनको जीतना मुश्किल है. तो इसलिए इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करे और छोटे छोटे देशों को जीते. फॉर एग्जांपल नेपाल, मालदीव, इन देशों के साथ इंडिया के जो रिलेशंस खराब हुए हैं पिछले कुछ समय में, इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके इन देशों को जीतना होगा, ना कि हार्ड पावर का इस्तेमाल करके इन देशों को हराना है. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डॉलर के मुकाबले में रुपी की गिरती वैल्यू के बारे में है. जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो. क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है कि रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में. इवन
ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है। कल इंट्राडे ट्रेडिंग में रुपया डॉलर के मुकाबले में 69 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 1 जनवरी से अभी तक रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 8% तक कम हो गया है। वैसे वो देखो जो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको, इन सब देशों की जो करेंसीज हैं डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम वैल्यू पर ट्रेड कर रही हैं। लेकिन इंडिया की जो करेंसी है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग है। यहाँ पर देखिए MSCI, ये इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है अप्रैल से अभी तक 6% कम हो गया है। रीजन्स क्या हैं, रीजन्स की हम बात करते हैं। देखो रीजन्स जानने से पहले बेसिक्स से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। आप रूल लगाइए डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। अब यहां पे हम रीजंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। तेल के जो दाम है, क्रूड ऑयल के जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से हमें ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। यानी हमारे देश से जो डॉलर है वो जा रहा है, यानी डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। तो जैसा हमने बेसिक रूल डिस्कस किया, जिस चीज की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, उस चीज का रेट बढ़ेगा। उसी वजह से डॉलर का जो रेट है वो बढ़ रहा है और रुपी यानी रुपए का जो रेट है वो कम हो रहा है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी की वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहां पर देखो डेटा गिवन है, 2017-18 के लास्ट क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट था 1.9%, और जबकि 2016-17 के लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट था सिर्फ 0.6%। और संभावना यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में यानी 2019 में करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच जाएगा 2.5% तक। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ, सिंपल फंडा है। पहले रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में थी, मान लेते हैं 60 रुपए, और आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में है 69 रुपीज। हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि पहले भी हम 1 बैरल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे और 1 बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी $100 यानी $100, और आज भी हम 1 बैरल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और आज भी 1 बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है $100। तो पहले देखो हमें 1 बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए खर्च करने पड़ते थे 100 × 60, 6,000 रुपीज। लेकिन आज के समय में चूंकि रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गई है, 69 पे ट्रेड कर रहा है रुपया, तो आज उसी 1 बैरल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए हमें रुपया खर्च करना पड़ेगा 6,900 रुपीज। तो इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया है और फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो ये हमने पहला रीजन डिस्कस किया जिसकी वजह से जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गई है। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन जो आर्टिकल में बताया जाता है वो ये है कि ट्रेड वार चल रहा है विभिन्न कंट्रीज के बीच, ये भी एक रीजन है। हालांकि देखो ये तो साफ है कि इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज पे ट्रेड वार का बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें कि रुपए की वैल्यू पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ग्लोबल ट्रेड वार की वजह से, वो अभी साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं। तीसरा रीजन है यूएसए में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी ज्यादा टाइटन कर दी गई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका से इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो गई है। अब देखो अगर यूएसए से जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में नहीं आएगी, मतलब डॉलर जो है इंडिया में नहीं आएगा, तो इसका असर क्या होगा, इसका असर यही होगा ना, डॉलर की इंडिया में कमी हो जाएगी। पहले डॉलर काफी ज्यादा आ रहा था इंडिया में, इसलिए रुपया जो था डॉलर के मुकाबले में वो ठीक ठाक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। अब यूएसए में वहां के जो लोग हैं, कंपनीज हैं, वो आसानी से लोन नहीं ले पा रहे हैं बैंकों से, तो इसलिए वहां से डॉलर नहीं आ रहा है इंडिया में, डॉलर की कमी हो रही है। ना सिर्फ इतना, इसका दूसरा भी काफी गहरा इंपैक्ट है। क्या है, देखो यूएसए में जो मॉनिटरी पॉलिसी है काफी टाइट है, तो इसलिए यूएसए की कंपनीज जिन्होंने पहले इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा था, इनको यह लगता है कि अब तो देखो यूएसए में ही ट्रेड करने का फायदा है, इसलिए उन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके रखी थी
उस इन्वेस्टमेंट को भी वो वापस अपने देश में यानी यूएसए में ले जा रही हैं। यहां पे देखिए आंकड़ा दिया हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। मई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 29,714 करोड़ रुपए बाहर लेके गए अपने देश में, और जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा था सिर्फ 15,561 करोड़। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश से वापस जा रही है, आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस जा रही है मतलब डॉलर जो पहले इंडिया में था वो वापस जा रहा है, तो इंडिया में डॉलर की कमी हो जाएगी, और जिस चीज की कमी होती है उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी वजह से रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। और आगे एक पॉइंट ये बोला गया है, ये जो इन्वेस्टमेंट बाहर गई है ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के बॉन्ड्स में थी, तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, इसलिए बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो गई है, और इंडिया की बॉन्ड मार्केट में भी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो फ्यूचर में रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में वो और भी कम हो सकती है, यानी इससे भी बुरी सिचुएशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि यूएसए में जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो और भी ज्यादा टाइटन हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो और भी ज्यादा डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिलेगा इंडिया से, यानी इन्वेस्टर्स डॉलर में अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर इंडिया से लेके जाएंगे यूएसए में, डॉलर की कमी हो जाएगी इंडिया में, और फिर से रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में कम हो जाएगी। लास्ट में ये बोला जाता है कि आरबीआई ने वैसे तो देखो अपनी भी जो मॉनिटरी पॉलिसी थी उसको टाइटन कर दिया था ताकि रुपया जो है मार्केट में कम अवेलेबल हो। रुपया भी अगर मार्केट में कम अवेलेबल होगा, रुपए की डिमांड जो है बढ़ेगी, तो रुपया भी अप्रिशिएट होगा, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर रुपए की वैल्यू कम होती है डॉलर के मुकाबले में तो इसका क्या प्रभाव होता है? देखो इसके काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो हमने डिस्कस किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। उसके बाद अगर डॉलर एक लेवल से ज्यादा कम हो जाता है इंडिया में तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो कम हो जाएंगे, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आ सकते हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, मतलब अभी हालात इतने ज्यादा खराब नहीं है, अभी हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है अगर रुपए की वैल्यू कमजोर होती है, जो इंपोर्ट है वो घट जाता है क्योंकि इंपोर्ट काफी महंगा पड़ता है। जैसे क्रूड ऑयल इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल इंडिया को अभी बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगला पॉइंट ये है इन्फ्लेशन, यानी अगर रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा कमजोर होती है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लास्ट में एक पॉइंट ये भी दिया जा सकता है कि देखो हमारे देश से स्टूडेंट्स या फिर दूसरे लोग जो दूसरे देशों में जाते हैं घूमने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लोग जो डॉलर के फॉर्म में रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं तो उनको फायदा होता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए कि अगर रुपए की वैल्यू कम होती है डॉलर के मुकाबले में तो क्या कुछ होता है। तो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल किसानों के इनकम लेवल के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। एक काफी फेमस कहावत है, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, लेकिन फार्म प्राइसेस के संदर्भ में ये जो कहावत है वो ठीक नहीं बैठती। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए ड्रोट आता है, सूखा आता है, तो बीजों की जो बिजाई है वो अच्छे से नहीं हो सकी ड्रोट की वजह से, यानी सूखे की वजह से, यानी बीजों की बिजाई अच्छे से नहीं हुई, यानी फसलों की जो पैदावार है वो भी अच्छी नहीं होगी, किसानों को घाटा होगा। लेकिन अगर बीजों की बिजाई भी अच्छे से हुई है, बारिश भी अच्छी आई है और फसलों की पैदावार भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए ना, किसानों को फायदा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई फसलों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट में ग्लट आ जाता है, यानी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है किसी क्रॉप का, तो इस वजह से भी फसल के जो दाम है मार्केट में कम हो जाते हैं। तो आप बताइए क्या वो कहावत बिल्कुल सटीक है, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे? नहीं, वो कहावत फार्म प्राइसेस के संदर्भ में ठीक नहीं बैठ रही है, और ऐसा ही देखने को मिला इस सीजन में भी। कुछ फसलों की जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई उन क्रॉप्स की, और जो इकोनॉमिक टूल्स फिलहाल अवेलेबल हैं सरकार के पास कि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलवाए जा सके, उन टूल्स ने भी काम नहीं किया, यानी किसानों को बहुत ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक टूल है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, एक टूल है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इन दोनों टूल्स ने काम नहीं किया। और देखो जब किसी क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
तो आवश्यकता ये होती है कि सरकार जल्दी से अपनी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी है उस क्रॉप के संदर्भ में उसमें बदलाव लाए। कई बार तो देखो सरकार इतना ढीला ढाला रवैया अपनाती है, किसी फसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन फिर भी उस फसल के एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई है, यानी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, और जिस फसल की बहुत ज़्यादा कमी होती है यानी प्रोडक्शन कम होती है उस फसल के इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है। होना उल्टा चाहिए, जिस फसल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस फसल के एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार की जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा डिले वाली होती है और जब तक सरकार नींद से जागती है तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो गया होता है। और इस वजह से इस साल के बजट में सरकार ने अनाउंस किया कि हम किसानों को फसलों की लागत पर 150% देंगे। मान लीजिए एक हेक्टेयर राइस उगाने पर किसान को खर्च आया है 3,000 रुपये, तो सरकार उसको 4,500 रुपये देगी एक हेक्टेयर में राइस की जितनी प्रोडक्शन हुई है। और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न फसलों के लिए सरकार के द्वारा MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाएगा। अगर किसान अपनी फसलों को MSP पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं बेच पाते हैं तो सरकार किसानों से उनकी फसलों को प्रोक्योर करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और अगर सरकार प्रोक्योर नहीं करती है किसानों से उनकी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो जिस दाम पर किसान अपनी फसल बेच रहे हैं मार्केट में, मान लीजिए 1,000 रुपये किसी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है लेकिन किसान मार्केट में उसी फसल को 800 रुपये में बेच पा रहे हैं तो 200 रुपये की कंपनसेशन दी जाएगी सरकार के द्वारा किसान को। इसे कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम या फिर प्राइस डिफरेंशिएशन सिस्टम। लेकिन राइटर के हिसाब से ये सिस्टम ठीक नहीं है। काफ़ी सारे रीजन्स दिए गए हैं राइटर के द्वारा इस सिस्टम को गलत ठहराने के लिए। जैसे सबसे पहला रीज़न ये है कि किसानों की सोच और सरकार की सोच में डिफरेंस है। जैसे एक किसान कहता है कि एक हेक्टेयर भूमि पर राइस उगाने पर हमें खर्च आता है 3,000 रुपये, लेकिन सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से एक हेक्टेयर भूमि पर राइस उगाने पे खर्च आता है 2,500 रुपये। ये मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया है, एक्चुअल जो डेटा है वो अलग अलग हो सकता है लेकिन एसेंस आप समझिए। किसी फसल को, किसी स्पेसिफिक फसल को उगाने में कितनी लागत आती है इसको लेके जो व्यू पॉइंट है सरकार का और किसानों का वो अलग अलग है। तो ये पहला पॉइंट है जिसकी वजह से राइटर कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम ठीक नहीं है। दूसरे पॉइंट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि देखो अभी फिलहाल सरकार के द्वारा ऑलमोस्ट 20 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है लेकिन एक्चुअल में सरकार के द्वारा 3 फसलों को प्रोक्योर किया जाता है, पैडी यानी राइस, दूसरे नंबर पे वीट यानी गेहूं और तीसरे नंबर पे शुगर केन। हालांकि सरकार शुगर केन को डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती, जो शुगर मिल्स हैं वो शुगर केन को यानी गन्ने को प्रोक्योर करती हैं। और उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक रीजन है। लॉजिक ये है कि देखो गन्ने को काटने के बाद जल्द से जल्द उसकी क्रशिंग होनी चाहिए, अगर गन्ने को काटने के बाद जल्द से जल्द गन्ने की क्रशिंग नहीं होती है तो गन्ना ड्राई हो जाता है यानी सूख जाता है, और अगर गन्ना सूख जाता है तो शुगर ज़्यादा नहीं मिल पाता गन्ने से। इस वजह से शुगर मिल्स के द्वारा शुगर केन की प्रोक्योरमेंट की जाती है। तो सोच के देखिए MSP डिक्लेयर किया जाता है 20 फसलों पे, ऑलमोस्ट 20 फसलों पे, लेकिन प्रोक्योरमेंट होती है सिर्फ 3 की और उसमें से एक की प्रोक्योरमेंट शुगर मिल्स के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर का ये है कि देखो जो छोटे और मंझले किसान हैं वो तो MSP पे अपनी फसल को बेच ही नहीं पाते, वो तो एग्रीगेटर्स को अपनी फसल को बेच देते हैं और वो भी बहुत कम दामों पे। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड सप्लाई मिसमैच। देखो सरकार की पॉलिसीज की वजह से किसी फसल की डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डेटा दिया हुआ है, अशोक गुलाटी जो कि एक फेमस एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा कहा गया कि सरकार अगर बजट में किए गए अपने वादे को निभाती है कि किसानों को उनकी फसल की लागत पर 150% दिया जाएगा तो पैडी के लिए MSP होना चाहिए 2018-19 के लिए 11.4% ज़्यादा, कॉटन के लिए MSP में इजाफा मिलना चाहिए 19 से 28% ज़्यादा, और जवार पे जो MSP है वो 42 से 44% बढ़ना चाहिए। तो ये डेटा दिया गया है अशोक गुलाटी के द्वारा। अब सोच के देखिए अगर जवार पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 42 से 44% ज़्यादा बढ़ता है तो इससे किसानों को साफ तौर पे एक सिग्नल जाएगा कि MSP सरकार ने ज्वार का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान अट्रैक्टिव होंगे ज्वार की तरफ, यानी ज्वार की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सोच के देखिए ज्वार की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन डिमांड तो नहीं बढ़ी है ना।
अब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो ज्वार के दाम है मार्केट में वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। यानी मतलब साफ है, सरकार अनइंटेंशनली अपनी पॉलिसीज की सहायता से किसानों को सिग्नल देती है कि आप इस फसल को उगाइए। जैसे देखो ज्वार का रेट जो है, एमएसपी जो है, सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो अनइंटेंशनली किसानों में एक सिग्नल चला गया कि ज्वार पे सरकार एमएसपी ज्यादा देगी, इसलिए इस फसल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उसी फसल पे किसान फोकस करते हैं, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, दाम नहीं मिल पाते उस फसल पे। आगे देखो राइटर के द्वारा सॉल्यूशन भी दिया जाता है। राइटर ये कहती है कि सरकार को एमएसपी पे फोकस करने के बजाय, यानी फसलों के प्राइसेस पे फोकस करने के बजाय, सीधा सीधा किसानों के इनकम लेवल पे फोकस करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे तेलंगाना का। तेलंगाना सरकार ने इस बार अनाउंस किया कि एक सीजन में हर एक किसान को जिसने एक हेक्टेयर भूमि पर खेती की है उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, डायरेक्टली 10,000 रुपये उस किसान के खाते में पहुंच जाएंगे। अगर किसी किसान ने एक हेक्टेयर भूमि पर खेती की है एक सीजन में, तो डायरेक्टली 4,000 रुपये तेलंगाना सरकार उस किसान के खाते में पहुंचा देगी। ये जो मॉडल है वो बिल्कुल सही है। इस मॉडल में किसानों के इनकम लेवल पे फोकस किया जा रहा है, ना कि एमएसपी पे। अगर देखो हम वीट, पैडी, सुगर केन और वो फसलें जिन पे सरकार के द्वारा एमएसपी नहीं डिक्लेयर किया जाता है, इन सब फसलों को निकाल दें और पूरे देश में, हमारे पूरे देश में ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है 1,978 लाख हेक्टेयर, और इस पूरे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के लिए अगर किसानों को डायरेक्टली उनके खातों में पैसे पहुंचाए जाते हैं तो कितना खर्चा आएगा? उतना ही खर्चा आएगा जितना सरकार खर्च कर रही है प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट्स पे, यानी प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम्स पे, और उतना ही खर्चा आएगा इस सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार को 1/5 ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो वैसे भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से वेव ऑफ कर दिया जाता है, और एनपीएस जो है बैंकों का अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जितना खर्चा सरकार को आएगा इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए वो 1/5 ऑफ एनपीएस है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसलिए सरकार को ये सिस्टम लागू करना चाहिए, इससे हमारे देश के सभी किसानों को फायदा होगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है बहुत ज़्यादा, और हमारे देश की जीडीपी में सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर क्या फ़ायदा टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट करें। लेकिन देखो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश के ऑलमोस्ट 50% लोग लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए। और एक बात यह भी याद रखनी होगी कि जानबूझ के सरकार के द्वारा जो फसलों के दाम हैं वो कम रखे जाते हैं ताकि कंज्यूमर्स को कम पैसे देने पड़े फसलों को, जो आउटपुट है उसको खरीदने के लिए, और इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाए। इसलिए यह बिल्कुल सही समय है सरकार यह सिस्टम लागू करे और डायरेक्टली किसानों के इनकम लेवल को सरकार सपोर्ट करे और डायरेक्टली कुछ पैसे किसानों के खाते में पहुंचाए जाएं जितनी भूमि पर उन्होंने खेती की है उसी के अकॉर्डिंग। ये पूरा आर्टिकल था कि सरकार फसलों के प्राइसेस पर ना फोकस करके किसानों के इनकम लेवल पर फोकस करें। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? जुलाई के शुरुआत में इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 डायलॉग होना था। 2+2 डायलॉग जब दो देशों के बीच होता है तो दो देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और दो देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करते हैं, लेकिन इंडिया और यूएसए के बीच अभी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, शायद उन्हीं की वजह से 2+2 डायलॉग को पोस्टपोन कर दिया गया। अगर इश्यूज की बात करें, हर एक एस्पेक्ट में इश्यूज हैं। देखो यूएसए का जो काउंटरिंग यूएसए एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, सैंक्शंस लगाना चाहता है उन देशों पर जो ट्रेड करेंगे या डील करेंगे रशिया के साथ और ईरान के साथ, जबकि इंडिया भी ट्रेड करता है ईरान के साथ और रशिया के साथ, तो इसलिए इंडिया को कंसर्न्स हैं यूएसए के इस एक्ट से। उसके बाद ट्रेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं फिलहाल इंडिया और यूएसए के बीच। यूएसए के द्वारा टैरिफ इम्पोज किया गया इंडिया से जो स्टील और एल्यूमिनियम इम्पोर्ट होता है, हालांकि इंडिया कम ही स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, लेकिन फिर भी यूएसए ने टैरिफ इम्पोज किए। उसके बाद काफ़ी प्रयासों के बावजूद इंडिया और यूएसए के बीच जो फंडामेंटल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो साइन नहीं हो सके हैं। हालांकि लिमोआ तो साइन हुआ, लेकिन इसके अलावा दो और बेसिक डिफेंस फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं जिन पे अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी की बात की, यानी उन्होंने साफ तौर पर संकेत किया कि इंडिया यूएसए के ग्रुप में शामिल नहीं होगा, इंडिया रशिया के साथ और चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को ठीक ठाक मेंटेन करेगा।
ये सब इश्यूज तो ठीक हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है यूएसए की साउथ एशिया पॉलिसी। देखो, पहले यूएसए की साउथ एशिया पॉलिसी जो थी, जिसमें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश किया जाना भी शामिल था, वो इंडिया सेंट्रिक थी। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए इस साल के शुरुआत में एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग देना बंद करे। इसके अलावा यूएसए ने यह भी कोशिश की थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। यानी यूएसए की साउथ एशिया पॉलिसी इस प्रकार की थी कि इंडिया की सहायता से यूएसए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहता था और पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहता था। पाकिस्तान को इसीलिए यूएसए ने बार बार कहा कि आप अपनी धरती से जो टेररिज्म की दुकानें चल रही हैं उन्हें बंद कीजिए। लेकिन यूएसए अब अपनी इस पॉलिसी को भी चेंज कर रहा है और इसके काफी सारे संकेत मिले हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में अभी तालिबान ने 3 दिनों के लिए सीज फायर इंप्लीमेंट किया। ऐसा पहली बार था कि तालिबान ने ईद से पहले 3 दिनों के लिए सीज फायर इंप्लीमेंट किया और संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को कन्विंस करवाया सीज फायर को इंप्लीमेंट करने के लिए। बदले में यूएसए के द्वारा तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के लीडर पे ड्रोन से अटैक किया गया अफगानिस्तान की धरती पर। देखो, मैं आपको यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं, तालिबान के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के लिए लड़ी जा रही है और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पाकिस्तान में सत्ता हासिल करने के लिए लड़ रहा है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि तहरीक तालिबान के तो सारे मिलिटेंट खत्म हो जाएं, लेकिन तालिबान के जो मिलिटेंट हैं उनको पाकिस्तान शरण देता है। ये पाकिस्तान की रणनीति है। तालिबान को पाकिस्तान अच्छा बताता है, तहरीक तालिबान को पाकिस्तान खराब बताता है। यूएसए ने जो ज्यादातर ड्रोन अटैक्स किए हैं 2017 में या फिर 2018 में भी, वो अफगानिस्तान में किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों की दुकानें चलती हैं वहां पर यूएसए ने अटैक नहीं किए हैं। और अभी जो मेन आतंकवादी हैं पाकिस्तान की धरती पर जो ऑपरेट कर रहा है, जो इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है, इंडिया के खिलाफ आतंकवाद को प्रमोट करता है, हाफिज शहीद, वो अब पॉलिटिकल रैलीज को संबोधित कर रहा है पाकिस्तान की धरती पे, लेकिन यूएसए के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है पाकिस्तान को। तो इससे एक बात जाहिर है कि साउथ एशिया के संदर्भ में यूएसए की जो पॉलिसी है वो भी चेंज हो रही है। यानी इस इशू पर भी इंडिया और यूएसए एक मंच पर नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अब दोनों देशों के द्वारा कोशिश ये की जानी चाहिए कि 2+2 डायलॉग को जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज किया जाए और जो भी इश्यूज हैं इंडिया और यूएसए के बीच उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था इंडिया यूएसए रिलेशंस के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे था। थीम थी इस बार की बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन और सेलिब्रेशंस को होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। तो प्लास्टिक पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल और प्लास्टिक मैनेजमेंट पे काफी सारे आर्टिकल्स भी आए हैं। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स यानी वो पर्संस जो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर वो रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स जो रिटेल लेवल पे प्लास्टिक को बेचते हैं, उनकी ड्यूटी होगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार कि वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे पॉइंट ये है कि देखो, वैसे प्लास्टिक का जो अल्टरनेटिव है अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सरकार को प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पे फोकस ज्यादा करना चाहिए जब तक कि प्लास्टिक का कोई इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं आ जाता। इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में ये प्रोविजन किया गया है कि वो पर्संस जो दूसरे देशों से प्लास्टिक का इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंडिया में ही प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर रिटेल लेवल पे वो दुकानदार जो प्लास्टिक को बेच रहे हैं, इन सभी स्टेक होल्डर्स को अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए एक फीस सरकार के द्वारा ली जा सकती है इन सभी स्टेक होल्डर्स से। तीसरे नंबर पे रूल्स में ये भी बोला गया है कि प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एंड प्लास्टिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कई बार कई टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं प्लास्टिक वेस्ट को ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार इनफ प्रोविजंस करें। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में ये भी कहा कि देखो, प्लास्टिक की जो थिकनेस है, जैसे पॉलिथीन्स मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी थिकनेस को 40 माइक्रोन से इंक्रीज करके 50 माइक्रोन किया जाए।
ताकि जो कॉस्ट है प्लास्टिक बैग्स की वो इंक्रीज हो जाए और कम से कम लोग प्लास्टिक बैग्स को खरीदें और दुकानदार भी यूज करने से कतराएं। उसके बाद लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई थी कि वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे। और सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में यह भी कहा था कि जिस भी पर्सन के द्वारा प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, प्लास्टिक पैकेट्स पे वो नाम लिखेगा कि कौन सी कंपनी है और कितनी मात्रा में प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया गया था, रेट क्या है, इन सब चीजों को लेबल किया जाएगा, मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2016 के रूल्स के अकॉर्डिंग प्लास्टिक बैग्स के लिए दुकानदार यानी रिटेलर कस्टमर से अलग से पैसा वसूले, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो रिलक्टेंट हो प्लास्टिक बैग्स का यूज करने में। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है, हालांकि देखो ये जो पॉइंट है अभी हमने डिस्कस किया कि अलग से दुकानदार पैसा वसूले प्लास्टिक बैग के लिए, अमेंडमेंट की सहायता से अब इस पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन लास्ट पॉइंट ये है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जो पॉइंट है वो अमेंडमेंट की सहायता से ऐड किया गया है इसी साल के शुरुआत में। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आए ताकि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकें, ऑनलाइन परमिशन ले सकें सरकार से प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि सरकार के पास सारा डेटा उपलब्ध हो कि कहाँ पे कौन से पर्सन के द्वारा प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ कहाँ पर है हमारे देश में, ताकि सरकार और बेहतर ढंग से प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने डिस्कशन में चार आर्टिकल्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम हो रही है, इसके क्या रिपरकशंस हैं और क्यों रुपए की वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले में कम हो रही है। दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया किसानों के इनकम लेवल के बारे में। तीसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। और सबसे लास्ट में हमने आर्टिकल डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।